अरे क्या कर रहा है रोड पे करेगा के? चल उधर कर ले। अरे ये लोग क्या कर रहे हैं वहाँ? आज तो बियर भाई बहुत ज्यादा हो गई। सही बोल रहा है भाई, आज तो बहुत ज्यादा हो गई भाई। दीवार न मिलती तो पेंट में ही निकल जाती। ये क्या शौच करने की जगह है? छोड़ो ना माँ, हमें क्या करना? रैक खुले में करने का मजा ही कुछ और है। है? ये हमारा इलाका है, इसको साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है। सारी साफ सफाई का ठेका हमने थोड़ी ना ले रखा है। अगर आज हम इन लोगों को नहीं रोके, लोग रोज रोज आके करेंगे। अरे क्या कर रहे हो? अरे ताई के दिक्कत है, ज्यादा दिक्कत है, तो परे को चली जाए। अरे ताई क्या कह रही थी? ये क्या शौच करने की जगह है? नहीं, फिर भी करेंगे। अभी पुलिस को फोन लगाऊंगी। भाई पुलिस की कह रही है? पुलिस? जब तक पुलिस आवेगी तब तक तो बहुत कुछ हो जाएगा। और आंटी कोई प्रॉब्लम है? हेल्प चाहिए? नहीं नहीं, हम देख लेंगे। मुझे डरना नहीं है, माँ जो कह रही थी ठीक कह रही है। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? ये कोई शौच करने की जगह है? अगर तुम जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसा काम करेंगे तो इस देश का क्या होगा? तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी इस हरकत से इस एरिया में कितने लोग बीमार पड़ सकते हैं? वो छोटे छोटे बच्चे कितनी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं? अगर तुम्हारे एरिया में से कोई करेगा तो तुम्हारे खुद के घर में कोई बीमार पड़ सकता है, समझे? सॉरी हम आगे से नहीं करेंगे। हमें अपने अपने एरिया में कुछ भी गलत होते हुए दिखे तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। भारत सरकार ने जगह जगह पर शौचालय बनवाए हैं, सो प्लीज उनका यूज करो और खुले में शौच ना करो। और हाँ, हमें अपने आसपास साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए।